मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योगों का विकास हो रहा है, छोटे बड़े उद्योग लगातार खोल रहे हैं और बड़ी कंपनियां भी प्रदेश में निवेश के लिए आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जावद में उद्योगों के लिए सौगात देने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम चौहान ने कहा, प्रदेश में छोटे और लघु कुटीर उद्योग खुले, इसके लिए प्रदेश स्तर पर कार्य चल रहा है। बड़े उद्योगपति भी प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा की तारीफ की और कहा कि प्रदेश में उनका विभाग अच्छा कार्य कर रहा है। जावद में भी अनेक विकास कार्य हो रहे हैं। सीएम चौहान ने कहा, प्रदेश कोरोना से उभर गया है और अब उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में जन कल्याण और स्वराज अभियान भी चल रहा है। गवर्नेंस हेड के लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 साल पूरे किए, 7 अक्टूबर को पूरे होंगे। कई तरह के विभिन्न कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आज का मुख्य कार्यक्रम जावद का निवेश के लिए था। आज कई उद्योगपति मित्र जिनमें एमएसएमई मतलब छोटे उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को आशय पत्र जारी किया है। केवल बड़े उद्योग नहीं, छोटे छोटे उद्योगों का जाल पीछे मध्य प्रदेश में धरती पर ये सरकार की नीति है। लघु और कुटीर उद्योगों के जाल से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और स्थानीय उत्पादन चाहे किसानों का हो या अन्य हो, उसकी प्रोसेसिंग भी होगी तो किसानों को उचित दाम मिलेगा। मुझे खुशी है कि अलग अलग स्थानों से उद्योगपति और हमारे एमएसएमई मंत्री सकलेचा जी लगातार प्रयास करते हैं उद्योग लगते जाएँ। कुछ दिन पहले ही 1872 उद्योगों का भूमि पूजन शिलान्यास हुआ था। आज कई उद्योगपति आगे आ रहे हैं। क्लस्टर अप्रोच हमारी है, निवेश तेजी से मध्य प्रदेश में आ रहा है। न केवल छोटे उद्योग बल्कि बड़े उद्योग भी लगातार मध्य प्रदेश में आचरण 184 इकाइयाँ कोविड के काल में भी मध्य प्रदेश में आई है, जो लोगों को रोजगार भी देगी। लेकिन जावद में और अनेकों नवाचार हुए जिनकी मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ। यहाँ यही मेंस वगैरह में बच्चों को जावद के बच्चों का सिलेक्शन हो, उसके लिए जो प्रयास किए गए सकलेचा जी के द्वारा उनकी टीम के द्वारा, उसके सुपरिणाम सामने आए हैं। लैंग्वेज ज्ञान अगर हो तो उससे रोजगार मिलता है, तो जापानी लैंग्वेज सिखाने के प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ किया है। अब हर बीमारी के लिए अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। टेली मेडिसिन ऑनलाइन इलाज एक अलग व्यवस्था है, इसका बहुत अच्छा प्रयोग यहाँ पर हुआ है। स्वच्छता प्रधानमंत्री जी के सबसे प्रमुख अभियानों में से है। लगातार जितने मदद देते हैं प्रदर्शन किया है। केवल शहर में गाँव में इसके लिए स्वच्छता रथ यहाँ विधायक निधि से दिए गए तो गाँव में कचरे को ढेरों को हटा के उनको निर्धारित स्थानों पर ले जाएंगे। और उद्योगों के लिए भी अनेक जिलों में प्रयास किए गए हैं। आज उनमें से कई को मैंने देखा भी। कोविड के नियंत्रण के लिए भी बेहतर प्रयास किया गया और किसी लहर से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी की गई। मुझे देखकर प्रसन्नता हुई। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़े, इसलिए हम सब लोग निरत हैं और आज जावद में आके मैं